महीना चल रहा है रमजान का, और रमजान के महीने में महंगाई आसमान पर है। हमने देखा कि इससे पहले जब भी कभी पाकिस्तान में प्रॉब्लम आती थी तो इंडिया से चला जाता था, इंडिया से प्याज गई है, इंडिया से टमाटर गए हैं। पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शहर है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर दी, आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान? सुपर पावर्स के साथ हमारे रिलेशन नहीं अच्छे होंगे तब तक हम दुनिया में, पाकिस्तान जो है ना वो किसी भी इशू पे, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे फलस्तीन का इशू हो, उसके अंदर हम आगे नहीं आ सकते। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। ये एक जुल्म हुआ था जो 370 धारा को लेकर इमरान खान ने इस अवाम, इस कौम पर किया कि उन्होंने जो ट्रेड बंद की इंडिया के, मैं समझता हूँ कि ये दुश्मनी हुई है पाकिस्तान के साथ। मोदी मिसाल के तौर पे वो उसकी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो काफ़ी कह ले के राइट टेस्ट किस्म की पॉलिसीज हैं, वो मजाकरात की टेबल पे नहीं आना चाहता पाकिस्तान के साथ। आपको अगर कहा जाए कि इंडिया को साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे, जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है, 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं, और कश्मीर उधर वहां पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, और जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, हाँ भाई कश्मीर चाहिए हमें, कश्मीर पे जो हो रहा है हम उसके पहले उसके लिए आवाज उठाएंगे और उसके बाद कुछ और करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अगर कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी भारत के साथ अपने रिश्ते खराब ना करते, ट्रेड को बंद नहीं करते, तो आज पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब ना होते, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब इसी के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया डिस्कस कर रहा है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उनके पेट फाड़ कर, उनके पेटों में से जो है वो हमने जो उनका रिज़्क है वो छीन कर अपने बच्चों को खिलाना, और बाद में ये जब रमज़ान गुजरेगा ये कमाई कर लेंगे और अपने गुनाह माफ करवाने के लिए ये फिर उमरे पे चले जाएंगे और बोलेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखे जी हम, अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी है और मैं अपनी फैमिली के साथ उमरा करके आया हूँ। ये नहीं देख रहे कि हमने रमजान में किया क्या है, हमने रमजान में कितने लोगों का हक खाया है, कितनी ऐसी फैमिलीज थी कि जो भूखे, मैं पिछले रमजान के अंदर मैं जो है वो आटे का बुहरान था, उस बुहरान के दौरान ही मैं कुछ वीडियोज बना रहा था, तो मेरी ऐसी कई जो खवातीन है उनसे वहां पर बातचीत हुई, तो जो कह रही थी कि हम इस दफा जो है वो पानी के साथ हमने रोजा अफ्तार किया है, कि सिर्फ पानी, हमारे घर में कोई चीज खाने की नहीं होती थी, लेकिन हमारा हमसाया जो है वो, हम जब हमें पता चलता है खुशबुएं आती हैं और उनका दस्तरखान कभी अचानक नजर पड़ जाती है तो वहां पर लातादाद चीजें होती हैं। तो ये इस्लाम तो इस चीज का दर्श नहीं देता कि आप खुद खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, आपका दस्तरखान भी 10 फुट का लंबा दस्तरखान आपने बिछाया, तरह तरह की चीजें हैं, और आपका हमसाया जो है भूखा बैठा है, तो ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा ये दीन है? कश्मीर को क्या कहना चाहेंगे, क्या जो इंडिया के पास कश्मीर है आजाद करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आजाद करवाना चाहते हैं। आप क्या, कैसे? आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे, जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है, 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं, और कश्मीर उधर वहां पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह, क्या मतलब, क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से जो हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, और साथ ये भी हमारा स्टांस है, ये ऑडियंस को समझाने के लिए, या एक लॉजिकल बात है, एक तरफ हम कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हमारा ये स्टांस है कश्मीर हमारा है, तो फिर अगर कश्मीर हमारा है तो वो तो हमारे घर में बैठे हैं, तो हम तो क्यों अपने घर से नहीं निकाल पा रहे, तो घर में घुस के मारना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन मसला है वो सिर्फ यही है, कश्मीर वाला ही है जो मेन मसला है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं, हम 3 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के ऊपर, ठीक है, 1948 की लड़ चुके हैं, 98 की लड़ चुके हैं, 71 की लड़ चुके हैं, ठीक है, और हमने जंगे करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला। मैं अभी भी जो इंडिया, जहाँ पे कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहती हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, मेन चीज ये चीज है। अगर देखे ना, अगर आजाद कश्मीर की तरफ हमने कोई मॉडल आजाद कश्मीर बना दिया होता तो हम लोगों को दिखाते, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाते कि यार ये देखो, ये हमारे पास आजाद कश्मीर है, ये मॉडल बन चुका है, और हम जो दूसरा कश्मीर है इंडिया साइड वाला उसको भी हम ऐसा बनाना चाहते हैं। क्या आपके पास एक ऐसी मिसाल, कोई एक ऐसा इदारा, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश कर सकते हैं? और यही सवाल अगर दूसरी साइड के हवाले से किया जाए, वहां पे तो G20 की मीटिंग होगी, और उन्होंने दिखाना क्या, दिखा दिया है G20 की वहां पे मीटिंग हुई, IIT
दुनिया का अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है वहाँ पे। IIT से कितने लोग पढ़ के गए हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट CEO है, जो IIT से पढ़ के निकले। आप मुझे बताएं आप कि इस तरह का एक भी इदारा बना सके आजाद कश्मीर के अंदर? ठीक है, तो देखें अब ये जो लॉलीपॉप आप पिछले 75 साल से दे रहे थे ना, अब इसको देना बंद कर दें, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अब जो मुझे लगता है ये रीजन है, इसके पीछे सारा मामला ये है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान मसला एस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली। अगर हम अपना आज बजट खत्म कर दें, हमारा मेन मसला इंडिया के साथ है ना, अगर हम अब डिफेंस बजट कट आउट कर दें तो इसका डायरेक्टली नुकसान किसको जाएगा? मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से भी पूछता हूँ और मेरी जो इंडियन ऑडियंस है मैं उससे भी पूछता हूँ। तो ये बेसिकली इस मसले को कभी सॉल्व करने की कोशिश की भी नहीं गई, और अगर इसको कोशिश की जाती इस मसले को सॉल्व करने की तो मसला हल हो जाना था। इसमें मैं आपको बताता हूँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने भी कोशिश की इस मसले को हल करने की, उसके बाद नवाज शरीफ ने यहाँ पे मोदी को इनवाइट किया, ठीक है, और वाजपेयी साहब आए मोदी साहब आए। अब इस मसले को हल कौन नहीं करने दे रहा? हमारे यहाँ पे एक बहुत मशहूर साफी है हामिद मीर, उसका कॉलम पढ़ लीजिएगा, उसमें उसने बताया कि मेन कल्प्रिट कौन है और किसने जो है वो आगे जाके किया। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये हाल है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक पॉइंट चाहिए अपना बजट बनाने के लिए, और बाद में हमें सुनने को ये मिलता है कि हमारे टैंकों में तो डीजल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं, फ्यूल ही नहीं है। ठीक है, आप हमसे 1800 रुपए का बजट खींच रहे हैं, ठीक है, हम गरीब कौम है, हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों को भेजने के लिए बच्चे बीमार हो जाएं, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हम अपना पेट काट के आपको बजट दे रहे हैं, और बजाय आप इस मसले को हल करने के आप उस मसले में मजीद कशीदगी बढ़ा रहे हैं। आप इसमें कशीदगी बढ़ाएंगे तो किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है ना। कि ये इनको मौका चाहिए होता कि कहाँ से इनकी इसको ये वर्ड यूज करते हैं दिहाड़ी लगाना पंजाबी में ना, ये लोग कहते हैं कि आज मैं इन्ने रुपए की दिहाड़ी लाई, तो ये इसको दूसरे के हक को खाना, दूसरों के ऊपर जुल्म करना, दूसरों के ऊपर ज्यादती करना, उसको ये दिहाड़ी लगाना कहते हैं। तो ये टाइम है पाकिस्तान के अंदर, रमजान इस दफा ही नहीं, हर दफा ही ये लोग जो है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो माफिया की शक्ल में हो, वो हुकूमत की शक्ल में, वो हुक्मरानों की शक्ल में हो, तो इनको मौके की तलाश होती है। मौका इनको मिलता है रमजानुल मुबारक में कि ये फिर एक गोल्डन चांस होता है इनको, उनको पता है कि ये किसी ने हमसे पूछना नहीं, हर बंदे ने कोशिश ये करनी होती है कि अपना घर के अंदर जो है वो चीजें पूरी करनी है, खिलाना है, दस्तरखान लगाना, सारा कुछ करना है। जो नहीं भी कुछ करता वो भी कहता है कि यार किसी ना किसी तरीके से शाम को मैं, जैसे कि महवेश ने भी बोला कि मैं हफ्ते का खाना जो है एक दिन में ही खा जाऊं, तो वो ऐसे होता है। तो फिर वो जो इस तरह के भेड़िए, इस तरह के गिद्ध जो है जो वो फिर मौके की तलाश में होते हैं, उन्हें पता है कि जी अब हमारी बारी आ गई है, तो वो एक हफ्ता पहले यानी कि रमजान आने से एक हफ्ता पहले वो चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वो प्याज हो, वो आलू हो, वो गंदम हो, वो कोई भी खाने वाली चीज है जिसके बारे में उनको पता है कि अब हम इसका स्टॉक कर लेंगे, और जैसे ही यकम रमजान आएगा वो अपनी मर्जी का रेट हम खोलेंगे और अपनी मर्जी का जो प्रॉफिट वो हासिल करेंगे। तो ये जो जितने भी इन्वेस्टर हैं वो प्लानिंग करते हैं पहले, रमजान आने से पहले वो प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से हमने आवाम की खाल खींचनी है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर दो बातों को वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया है। पहली जो है वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई को लेकर बात की जा रही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें जो उनकी उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसके परिवार की जो ज़रूरतें हैं, उसको भी वो पूरी नहीं कर पा रहा है। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, और वीडियो के अंदर आपने देखा ही है वो किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके हालात किस प्रकार के। दूसरी एक और बात जो अहम बात है वो इस वीडियो के अंदर की गई है, और वो बात ये है कि पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का नाम ये लोग लेते हैं, पाकिस्तान के ये डायरेक्ट आर्मी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब ये लोग इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो ISI और आर्मी को लेकर ही ये लोग बात करते हैं। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी बात की गई है कि वो कभी नहीं चाहती हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो है ना वो एक तरीके से सामान्य हो जाए। अगर रिश्ते सामान्य होते हैं, सुधरते हैं, तो फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तानियों को लूट नहीं पाएगी, इतना मोटा बजट जो वो लेकर जाती हैं वो नहीं ले जा पाएगी, जिसकी वजह से जब भी इन दोनों देशों के बीच में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता इस तरीके का कोई कदम उठाता है जिससे कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते जो है ना वो अच्छे हो, तो उसके पीछे हम देखते हैं कि हर बार कोई न कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, और ये सब कुछ प्लान करती है इनकी ISI और इनकी आर्मी, ताकि जो रिश्ते अगर कोई ऐसा कदम भी उठाया गया है तो फिर से जो लोग हैं ना
अब वो दूर दूर हो जाए। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।